गाइस, वेलकम टू माय चैनल तारिका जोशी। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैजिक जूस बनाने वाले हैं, जिसमें हम हरे पत्ते वाले सब्जियां यूज करने वाले हैं, ग्रीन, टोटली ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करने वाले हैं, और वो भी ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो सीजनल है। ओके, तो हर जगह पे अवेलेबल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये एक्चुअली ग्रीन जूस बनता है, पर मैंने उसमें थोड़ा बीट भी डाला हुआ है, बीट रूट, क्योंकि बीट रूट वैसे भी अपने आयरन की डेफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने उसमें बीट रूट डाला है, इसलिए उसका कलर थोड़ा रेड हो गया है। बट आप बीट को अवॉइड करोगे तो आपका जूस ग्रीन कलर का बनेगा। ओके, इस जूस के बेनिफिट बहुत सारे हैं, मतलब अनबिलीवेबल। ओके, उसमें क्या है कि ये ग्रीन जूस पीने से आपके जो स्टमक में जो गंदगी जमा हुई होती है, अपने आंतरड़ा जो इंटेस्टाइन है उसमें जो गंदगी जमा हुई होती है, वो धीरे 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 करके रिमूव होगी, जिससे आपका बॉडी धीरे धीरे रिकवर होगा, स्वस्थ होगा। इससे ये जूस अगर आप रेगुलर पियोगे डेली बेस पे, तो आपका डायबिटीज भी कंट्रोल होने हो सकता है, थायराइड कंट्रोल हो सकता है, और जो इसको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी आप रिकवर कर सकते हो। हीमोग्लोबिन में तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, हीमोग्लोबिन इससे बहुत अच्छा, मतलब कि एक आध महीने में 1-2% हीमोग्लोबिन आपका इंक्रीज हो सकता है, अगर रेगुलर डाइट किया तो, ये जूस पिया तो। ओके, और एक दूसरा फायदा ये है अपने जूस का कि इस जूस को पीने से आपकी स्किन एकदम हेल्दी हो जाएगी, और आपके हेयर जो व्हाइट है वो काले होने लगेंगे, और उसमें चमक आ जाएगी। ओके, तो हम ये जूस आज बनाने वाले हैं। मैं आपको रेसिपी अभी दिखा रही हूँ अपने वीडियो में, तो आप डेफिनेटली उसको ट्राई करना, और डेली उसको खाली पेट सुबह उसको पीना है अच्छी तरह से डेली। ओके, फिर जब भी आपको भूख लगे तब आपको खाना खाना है। एक्चुअली उसमें बहुत सारी प्रोसीजर होती है कि भूखे पेट लेना है, चाय भी नहीं पीना है, फिर 2-3 बजे तक ये जूस पे ही आपको रहना है, फिर उसके बाद खाना खाना है। बट अपन इतनी सारी डाइट फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम जूस बना के तो पी सकते हैं ना। तो चलो बनाते हैं जूस, ये वाला एकदम टेस्टी। चलो, ग्रीन जूस बनाने के लिए हमें चाहिए पालक के पत्ते, धनिया के पत्ते, तांदलजा के पत्ते, मूली के पत्ते, फुदीना, मेथी, सॉरी ये सरगवा का सींग आती है ना उसका पत्ता है, ये मेथी है। ओके, और दूसरा ग्रीन में आएगा करी पत्ता आएगा, और ये तुलसी लीव्स है। मैंने एक ग्रीन चिली भी लिया है फीका वाला। ओके, एंड कैरेट, कद्दू, पम्पकिन जिसको बोलते हैं वो, बीट, एक लेमन, आंवला और लौकी, ये हमारे इतने वेजिटेबल्स मैंने लिया है। उसमें ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स है, मतलब पत्ते वाली सब्जियाँ। इसके अलावा और कोई भी पत्ता वाली सब्जी हो वो आप यूज कर सकते हो। ओके, आपके पास इतनी सारी पत्तियां अवेलेबल ना हो तो आप धनिया, पालक और फुदीना और ये जो सरगवा बोलते हैं ना उसको मेन लेना है, वो बहुत ही हेल्दी रहता है बॉडी के लिए, और नीम, तुलसी। ओके, उतने से भी आप बना सकते हो। और इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है एप्पल साइडर विनेगर, वो भी मैंने ऑर्गेनिक वाला लिया है, हनी लिया है, चाट मसाला लिया है, फिर दूसरा वीट ग्रास पाउडर आता है वो मैंने लिया है। वीट ग्रास आप खुद भी ग्रो कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगी, वीडियो मेरा है बनाया हुआ, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास नहीं है तो ऐसा पाउडर भी यूज करो। फिर ये काला नमक है, ये पिंक सॉल्ट है, जीरा मैंने क्रश किया हुआ लिया है, थोड़ी अजवाइन ली है ताकि क्या है गैस ना बने, और एक जैगरी पाउडर लिया है मैंने। आप जैगरी पाउडर या फिर हनी, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा दोनों डालती हूँ। आपको कोई एक चीज यूज करना हो तो भी यूज कर सकते हो। अगर जैगरी और गुड़ ना हो और आपको मोलासिस आता है, जो बीच का आता है, जैगरी बनते पहले थोड़ा जो लिक्विड फॉर्म होता है गुड़ का,
वो भी आप यूज कर सकते हो, जिसको काकवी बोलते हैं गुजराती में और इंग्लिश में उसको मोलासिस बोलते हैं। ओके, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स को हमें पहले मिक्सी में ग्राइंड करना है। ओके, चलो देख सकते हो कि हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिक्सी जार में डाल देंगे। एक्चुअली क्या है, जूसर में भी आप बना सकते हो, पर मेरा जूसर अभी बिगड़ा हुआ है तो मैं अभी मिक्सी में ही बना रही हूँ। आप इस तरह से सभी सभी फ्रूट अरे वेजिटेबल्स और ये जो पन्ने वाली भाजी है वो सब आप इसमें डाल दो। ओके, थोड़ा थोड़ा करके फिर हम जूस बनाएंगे सबको क्रश करके। एक साथ क्रश नहीं होगा इसलिए हम सब थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। आंवला बहुत ही जरूरी है इस जूस में। ओके, तो आंवला बहुत ही यूजफुल है, इसको जरूर आप डालना। थोड़ा पानी डालूंगी। ओके, अभी हम ये सब इंग्रेडिएंट्स थोड़ा थोड़ा डालते हैं। हाँ गाइस, अभी आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा अजवाइन डालूंगी, थोड़ा जीरा पाउडर डालूंगी। ओके, काला नमक, व्हीट ग्रास मैंने अभी डाल दिया है, ये थोड़ा चाट मसाला। हमें ये जूस को टेस्टी बनाना है। ओके, तो क्या है, ये इंग्रेडिएंट्स जो भी है वो टेस्ट भी लाएंगे और आपकी बॉडी के लिए सब इम्पोर्टेंट है। जैसे जीरा, अजवाइन, वो आपकी फैट को लॉस करता है बॉडी में से और खाना पचाने में भी हेल्प करता है। तो हमें क्या है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो टेस्टी भी लगेगी आपको और यूजफुल भी है। थोड़ा अभी जैगरी पाउडर डालूंगी मैं। जिसको जैगरी पाउडर नहीं डालना है तो फीका, मतलब सॉल्टी फ्लेवर वाला आपको अच्छा लगता है, मीठा नहीं चाहिए तो वो भी आप यूज कर सकते हो। बराबर है, अभी थोड़ा हम विनेगर डालेंगे। विनेगर हमें थोड़ा ही डालना है, हमें एप्रोक्सी 1 स्पून जितना विनेगर डालना है। ओके, और हनी थोड़ा, हनी हेल्थ के लिए अच्छा है तो ज़्यादा डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना भी ज़्यादा मत डाल देना कि मीठा मीठा हो जाए। ओके, ये गया हनी। ये जूस आप पियोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। एप्रोक्सी 500 ग्राम जितना आपको पी लेना है सुबह सुबह नाश्ते में, तो उससे क्या होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी, पूरा पेट आपका भरा भरा होगा। फिर जब आपका खाने का टाइम हो, 2-1-2 बजे जो भी, उस टाइम पे आप खा सकते हो। ये मैंने लेमन जूस डाल दिया। अभी इस सबको हम क्रश करेंगे। ओके, क्रश करने के बाद मैं इसको इस वाली छन्नी से छान लूंगी ताकि बड़े बड़े पार्टिकल्स वो ऊपर आ जाए और अपना जूस पीने में आसानी हो जाए। अब हम इसको क्रश कर रहे हैं। आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हो, ग्रीन वाली, जो अभी मौसम अच्छा है तो ग्रीन हिला हल्दी मिल रही है तो मैंने यूज़ किया है। ये एंटी इन्फ्लेमेशरी है और एंटीबायोटिक की काम भी करती है इसलिए। ओके, तो मैंने हल्दी भी डाला है। हाँ गाइस, अपना जूस अभी रेडी हो गया है, हमें इसे अभी छानना है। छानने के लिए हमें थोड़ा ऐसा बड़ा बर्तन, मतलब चौड़ा बर्तन लेना है ताकि हम इसे अच्छी तरह से छान सके। ओके, अब मैं इसको पहले छान लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ गाइस, आप देख सकते हो कि अपना जूस रेडी हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह प्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे फैंसी जार में डालेंगे, तो क्या है, बच्चों को भी अट्रैक्टिव लगे जूस और बच्चे भी एकदम खुश होके पिए कि वाह ये क्या मम्मी ने बनाया है। ओके,
तो हम इसको और अट्रैक्टिव ऐसे बना के फिर बच्चों को देंगे। आप घर पे ट्राई करो इसको, एक्सेट एक मंथ के लिए आप पियो सुबह सुबह। ब्रेकफास्ट नहीं करना है, ब्रेकफास्ट की जगह पे ये जूस पीना है। फिर आप आपका ब्लड रिपोर्ट करा के देखो, हीमोग्लोबिन और शुगर वगैरह सब में बहुत फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा खाने में भी ध्यान रखना होगा, फास्ट फूड और सब थोड़ा कम करो और फिर देखो आपका हेल्थ कैसा होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, घर पे ज़रूर ट्राई करना। ओके बाय। ये फैंटास्टिक जूस फॉर डिटॉक्स अवर बॉडी तारिका, फैंटास्टिक। थैंक यू।